एनजीओ मतलब डिक्टेटर तानाशाह, बताओ दीदी तानाशाह है कि नहीं है? ये तानाशाही नहीं चलेगी। आई मतलब इनसेंसिटिव, असंवेदनशील, लोगों की चिंता ही नहीं है। डी मतलब डीड, भय पैदा करना। और आई मतलब इनकम्पिटेंट, मतलब अयोग्य। आज मैं कह रहा हूं इस मंच पर मौन आगे खड़े होके, ममता दीदी तुम अक्षम और अयोग्य हो, तुमने पश्चिम बंगाल को बर्बाद कर दिया है, तुम्हें सरकार में रहने का कोई हक नहीं है। ये दीदी है। अगर दीदी कहता हूं मेरे मन में, तो दीदी का यही चित्र नजर आता है। दीदी आज मैं सवाल पूछता हूं, ममता दीदी जवाब दो एक बार। 1906 में अंग्रेजों ने पश्चिम बंगाल को बांटा था, पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल, लॉर्ड कर्जन ने। दीदी तुमने हमारे प्यारे पश्चिम बंगाल को, अमर सोनार बंगला को हिंदू और मुसलमान में बांट दिया है। ये बांटने वाली दीदी है। मैं पूछना चाहता हूं ममता दीदी, सरस्वती पूजा का विरोध, काली पूजा का विरोध, चंडी पूजा नहीं होगी, सरस्वती पूजा नहीं होगी, लेकिन ताजिए निकलेंगे, ये कौन सा न्याय है? ममता जी मैं पूछना चाहता हूं, ममता दीदी जवाब दो, जय श्री राम के नाम पे तुम्हारे कांटे क्यों खड़े होते हैं? क्यों टीएमसी चिल्लाती है? हम बोलते जय श्री राम। अब जय श्री राम बोलने से तो रावण चिढ़ता था। ये टीएमसी वालों को डर क्यों लगता है? अरे राम हमारे अस्तित्व है, राम हमारे आराध्य है, राम हमारे प्राण है, राम हमारे भगवान है, और राम भारत की पहचान है। बिना राम के ये देश नहीं जाना जा सकता। नहीं, जैसे राम बोलो तो घबरा जाती है दीदी, घबरा जाती है। क्यों घबराती दीदी, ये तो बता दो दीदी, जवाब दो।